1934 में आज ही के दिन पहली बार हवाई जहाज से पार्सल भेजने का सिलसिला शुरू हुआ था। लुफ्थांसा नाम की कंपनी ने इस सेवा की शुरुआत की थी। दरअसल जर्मनी उस वक्त चाहता था कि इस नई सर्विस के जरिए दक्षिण अमेरिका में नए बाजार की खोज कर सके। बर्लिन से पहले हाइंकेल हे नाम की विमान से 70 किलो चिट्ठियां और पार्सल शुटगार्ट लाए गए। फिर वहां से उन्हें फ्रांसीसी शहर मार्से से होते हुए स्पेन के सेविया पहुंचाया गया, जिसके बाद गैम्बिया से निकलने के बाद विमान को गुलेल की तरह जहाज से टेक ऑफ कराया गया। ब्राजील के नाटाल पहुंचकर वहां एक पानी में तैरने वाले हवाई जहाज ने पार्सल संभाले और उन्हें ब्राजीली शहर रियो डी जेनेरियो और बुएनोस आयरस तक पहुंचाया। इस पूरी प्रक्रिया में 6 दिन लगे। एयरमेल के पहले साल में कंपनी ने 5000 किलो से ज्यादा सामान पहुंचाया, लेकिन इसमें 47 विमानों को काम पर लगाना पड़ा। 1963 में आज ही के दिन भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर रघुराम राजन का जन्म हुआ था। रघुराम राजन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रमुख आर्थिक सलाहकार रहे और शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर थे। राजन शुरुआत से ही पढ़ाई में होशियार थे। दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्हें डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल और अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। 2003 से 2006 के बीच वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक रहे। उन्होंने योजना आयोग द्वारा नियुक्त वित्तीय सुधार समिति का नेतृत्व भी किया। 2010 में उन्होंने फॉल्ट लाइंस हाउ हिडन फ्रैक्चर्स स्टिल थ्रेटन द वर्ल्ड इकोनॉमी लिखी, जिसके लिए उन्हें साल 2010 का फाइनेंशियल टाइम्स गोल्डमैन सैक्स बेस्ट बिजनेस बुक पुरस्कार दिया गया। 1966 में आज एक दिन रूस ने चांद पर पहली बार एक अंतरिक्ष यान नियंत्रित ढंग से उतारा था। लूना 9 मॉस्को समय के हिसाब से रात 9:45 बजे चांद पर उतरा था। उसके बाद यान पर लगे उपकरणों ने तुरंत ही आसपास के चित्र लेने शुरू कर दिए। चांद पर इस यान के उतरने के बाद अमेरिकी यान की ओर से भेजी गई उन तस्वीरों की पुष्टि हो गई, जिसके अनुसार चांद की सतह सख्त है और जैसा कुछ खगोल शास्त्री सोचते थे कि वहां पर धूल की एक सतह होगी, ऐसा नहीं है। इस बात का सबूत मिलने के बाद कि चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री वहां किसी दलदल में नहीं धस जाएंगे, अब चांद पर पहला मानव भेजने की होड़ और तेज हो गई। टेलीविजन पर एक सोवियत वैज्ञानिक ने बताया कि जहां पर लूना 9 यान उतरा था, वहां चांद की सतह काफी पथरीली थी। 1986 में आज ही के दिन पोप जॉन पॉल द्वितीय और मदर टेरेसा की कोलकाता में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद पोप ने मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के अस्पताल में बीमारों को खाना खिलाया था। पोप शहर की झुग्गी बस्ती के बीच में बनी 2 मंजिला इमारत के पास पहुंचे तो मदर टेरेसा ने उनके हाथों को चूमा और फिर 1950 में स्थापित निर्मल हृदय नाम वाले घर में ले गईं। इस इमारत में कैंसर, टीबी और कुपोषण के शिकार बच्चों का इलाज हो रहा था। पोप ने वहां पर कई बीमारों को चूमा और उन्हें गले लगाकर प्रार्थना करते हुए ईश्वर से कहा कि वह उन लोगों को आशीर्वाद दें जो शीघ्र ही उनके पास आने वाले हैं। और आज ही के दिन 2000 में भारत के मशहूर तबला वादक अल्ला रक्का खां का निधन हुआ था। खां साहब को भारत के सर्वश्रेष्ठ एकल और संगीत वादकों में से एक माना जाता था। बचपन से ही अल्ला रक्का खां को तबले की आवाज खींचा करती थी। 12 साल की उम्र में तबला सीखने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। 1945 से 1948 के बीच सिनेमा जगत में भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन 2-3 फिल्मों के लिए संगीत देने के बाद उनका मन इस माया जाल से हट गया। अल्ला रक्का सदे हुए हाथों से जब तबले पर थाप मारते थे तो श्रोता भाव विभोर हो जाते थे। संगीत के क्षेत्र में अल्ला रक्का के अद्भुत योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया।